देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। सब कुछ जानने समझने के बाद भी आप क्यों सच से मुंह मोड़ रहे हैं ध्रुव जी? हमारी दीदी को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता ध्रुव जी, बचपन से उनका स्वभाव देखते आ रहे हैं। कभी भी शादी के बीच में नहीं आएंगी। आपको उनके मुंह से ना सुनना पड़े और दुगनी तकलीफ हो, उससे बेहतर है कि आप जो सच है उसे अपना लीजिए। आप प्लीज खुद को और उनको ऐसे हालातों में मत उलझाइए जिससे आप दोनों को दुख बर्दाश्त ना हो पाए। जो रिश्ता अधूरा रह गया ध्रुव जी, उसकी डोर को पीछे छोड़ दीजिए। जो रिश्ता बन चुका है उसे अपना लीजिए ध्रुव जी। इस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? हेलो ध्रुव, ध्रुव जी। कौन बोल रहा है? सृष्टि, सृष्टि कहाँ हो तुम, बताओ हमें। दीदी हम ये तो नहीं बता सकते कि हम कहाँ हैं, लेकिन हम जहाँ भी हैं बहुत मुसीबत में हैं। ध्रुव जी हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हेलो, हेलो दीदी, हेलो 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 सृष्टि, हेलो 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 दीदी, फोन कट गया, नंबर नहीं लग रहा है। आप नंबर दीजिए ना, हम ट्राई करते। हाँ लगा। क्या हुआ तो दानी बच्चा, आप परेशान क्यों लग रही हैं? पापा वो दीदी का फोन आया था ध्रुव जी को, सृष्टि दीदी का फोन आया था, पर कह रही है कि किसी मुसीबत में आप। सृष्टि का फोन आया था? आप पापा वो कह रही थी कि वो किसी मुसीबत में और हम उसे आकर बचा ले। हेलो सुरेंद्र भाई साहब, राम राम। जी भाई साहब, हमने कहा था कुछ भी हो जाए सृष्टि यहाँ ध्रुव को फोन नहीं करेगी, हम संभाल रहे हैं यहाँ पर, फिर फोन कर दिया। नहीं नहीं भाई साहब, सृष्टि ने तो ध्रुव जी को फोन नहीं किया। अभी अभी ध्रुव को फोन आया सृष्टि का, वो कह रही थी हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, हम तो आधे घंटे से यहाँ डॉक्टर के आए हैं, सृष्टि हमारे साथ ही है और रास्ते में उसे ध्रुव जी से मिलने का मौका मिला था, लेकिन वो उनके सामने नहीं आई। तो ये कैसे हो सकता है कि सृष्टि ध्रुव जी को फोन करे? अगर सृष्टि ने ध्रुव को फोन नहीं किया तो सृष्टि के नाम से किसने ध्रुव को फोन किया? हमें भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, लेकिन आप ध्यान से सुनना कि ये राज राज ही रहना चाहिए। ये सृष्टि का राज आजमगढ़ से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना ध्रुव और धानी की जिंदगी तबाह हो जाएगी।